अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज जो है मैं वीडियो लेके आया हूँ लाइव आपके सामने। जैसे कि आप देख रहे हैं, वो जो ब्रिज है वो करीमाबाद का ब्रिज है। कराची की वीडियो है, कराची का शहर, कराची का जगह करीमाबाद है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 9 और 10 मुहर्रम को जो है पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होती है, और छुट्टी होने की वजह जो है कोई गेजेट होलीडे इसलिए नहीं दिया गया कि लोग जो है वो घर में जाके हंसी खुशी रहें। इसलिए दी जाती है 9-10 मुहर्रम की छुट्टी कि 9 और 10 मुहर्रम को जो है फैमिली जो थी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको शहीद किया गया। और किस तरह किया गया वो हमारे सबके सामने है। और कहते हैं कि वो जो 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 यजीद की बैत थी वो हमारे प्यारे मौला हुसैन ने नहीं ली, और वही कहते हैं ना हक और बातिल की ये मामला थे, और उन्होंने यजीद की जो है वो बैत जब नहीं ली और उनके साथ क्या मामला हुए और चीज़ें हुई, तो उसकी वो याद होती है, उसकी वो याद ताज़ा होती है। और 9-10 मुहर्रम को जो है हर मुसलमान जो है वह अहले बैत की मोहब्बत में जो है वो अपने घर में वो चीज़ याद ताज़ा करता है, नज़र व नियाज़ करता है। किसी भी मकतबा फ़िक्र का बंदा हो, वो अगर वो आराम से घर में रहता है और उनको अपने बच्चों को बताता है कि हक क्या है और बातिल क्या है, सही क्या है गलत क्या है, किसी वक्त यजीदी हो या उस वक्त का यजीदी हो, उसके सामने आपको झुकना नहीं है, हमेशा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई चीज़ों पर चलना है, ईमान के साथ रहना है, पूरा आपका ख़ानदान कट जाए मगर आपने डट के खड़े होना है और झूठ का कभी साथ नहीं देना। तो ये हम सीखते हैं वाकई करबला से। और आपको पता है कि इमाम हुसैन जो है वो जन्नत में सके सरदार हैं, और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जो हज़रत मौला अली की वाइफ हैं और जो हुज़ूर पाक सल्लम की बेटी हैं, वो जन्नत में औरतों के सरदार हैं। तो ये घराना जिसे हम कहते हैं पंजतन, जिसे हम कहते हैं अहले बैत, से कहते हैं ना कि हुज़ूर पाक सल्लम ने कहा था कि मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक है कुरान शरीफ और दूसरा अहले बैत। तो जिसने मोहब्बत की कुरान से, जिसने की मोहब्बत अहले बैत से, लेकिन उनको असाबे रसूल की भी मोहब्बत मिलेगी, उनके असाबे अहले बैत की भी मोहब्बत मिलेगी, उनके असाबे रसूल की भी मोहब्बत मिलेगी, उनको औली अल्लाह की भी मोहब्बत मिलेगी, उनको तबा तबीन की मोहब्बत मिलेगी, और यकीन माने दुनिया भी इनकी होगी और आखिरत भी इनकी होगी। तो ये है दर्श देने वाली बात 9-10 मुहर्रम के हवाले से। तो ये हम हाजिर हुए हैं करीमाबाद से, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि यहाँ सामने जो है ब्रिज नज़र आ रहा है, सीधात पे जो है मीना बाज़ार नज़र आ रहा है, और रोड आपको टूटा हुआ जो नज़र आ रही है, एक्चुअली इसलिए टूटा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ बन रहा है अंडर पास जो कि 3 मरलों में बन रहा है। पहला मरला काका मोहाली चौड़ी से लेकर मीना बाज़ार तक का है, दूसरा मरला ब्रिज के नीचे वाला है, तीसरा मरला छोटी शॉपिंग मॉल से लेकर जौदी चौड़ी।